ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल नवजोत, ये सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और जनता भी, पंजाब की जनता भी ये चाहती, पंजाब की जनता को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। पंजाब की जनता चाहती है जो ये पूरा मामला है जल्द से जल्द जो है इसमें जो दोषी हैं वो ना सिर्फ पकड़े जाएं बल्कि उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस पर महज जो राजनीति, और वो भी चुनाव से ठीक पहले, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले जो राजनीति की जाती है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच जो है, ना सिर्फ जांच की आंच, और वो भी तब जबकि चुनाव सामने हो, चाहे बाई इलेक्शन है या दूसरे चुनाव है, उस दौरान इस मुद्दे को सिर्फ महज राजनीति के लिए पंजाब की जनता के बीच में रखा जाए, बल्कि जो बेअदबी हुई उसको लेकर जो कांग्रेस ने वादा किया था, कांग्रेस ने जो जिस तरह का जनता के बीच चुनाव में जाने से पहले वादा किया था, जनता चाहती है कि वो पूरा किया जाए। और महज किसी राजनीतिक दल पर आरोप जो है, और राजनीतिक नेताओं पर आरोप नहीं लगाने चाहिए राजनीति के लिए, बल्कि सच जो है वो पंजाब की जनता के सामने जल्द से जल्द आना चाहिए ताकि इस पर राजनीति जो है वो खत्म हो सके। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो आज जिस तरह से कहा कि वो उनकी तरफ से जो है कोई इस पर यू टर्न नहीं लिया गया है, यू टर्न नहीं लिया गया, उन्होंने जो बयान दिया था उसको गलत तरह से पेश किया गया, गलत तरह से रखा गया, लेकिन जो वादा किया था, पंजाब की जनता चाहती है कि जो वादा उनकी तरफ से किया गया था कि इसमें जस्टिस होगा, इसमें न्याय होगा, तो वो न्याय जल्द से जल्द जो है जनता, पंजाब की जनता और पंजाब का हर वर्ग जो है हर नेता जो है वो ये चाहता है कि इसमें जल्द से जल्द जो है जो भी जांच करे, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या राज्य की तरफ से, और राज्य जो कह रहा है कि राज्य की एजेंसी सक्षम है जांच करने के लिए, तो वो जांच जो है और उस जांच में न्याय जो है जल्द से जल्द जो है वो होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए।